और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संजौली अवैध मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। शिमला व्यापार मंडल ने आज बंद की चेतावनी दी है, दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानें व्यापारियों की बंद रहेंगी। मंडी में 13 सितंबर को प्रदर्शन की चेतावनी सभी व्यापारियों ने दी है और माहौल को देखते हुए प्रदेश भर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रॉबिन, लगातार ये बड़ी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में संजौली विवाद को लेकर अब स्थिति यहां पहुंच गई है कि जो प्रदर्शनकारी है, हिंदू संगठन है, उन पर वाटर कैनन से प्रहार किया जा रहा है और लाठीचार्ज तक भी बात पहुंची है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए तिशा, कल एक बड़ा प्रदर्शन संजौली में हुआ है और उसके बाद अब यहां पर जो है आज व्यापार मंडल ने, क्योंकि शिमला में कल जो है लाठीचार्ज हुआ और वाटर कैनन भी चलाया गया, हालांकि सरकार कह रही है कि माइल्ड लाठीचार्ज और माइल्ड सा जो वाटर कैनन का प्रयोग है वो हुआ है, क्योंकि इस दौरान जो भीड़ है वो काफी उग्र हो गई थी। लेकिन इसके अलावा जो आज हिमाचल प्रदेश में स्थिति का कमोबेश ये है कि व्यापार मंडल ने सांकेतिक रूप से प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उन्हें आज के लिए 1 बजे तक के लिए दुकानें बंद रखने का प्रदेश पूरे शिमला में जो है आह्वान यहाँ के व्यापार मंडल ने किया हुआ है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि इस पूरे बंद को कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि पूरे शिमला में इसका आह्वान किया गया है। बीते शाम को भी मॉल के आसपास जो दुकानें हैं वो 1 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से बंद कर दी गई, समर्थन दिखाने के लिए जितने भी हिंदू लोग, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और देखिये, खासतौर पर ये जो विवाद है ये अब शिमला तक ही सीमित नहीं रहा है, इसकी जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुसुमटी इसके अलावा संजौली के अलावा कुसुमटी मस्जिद विवाद को लेकर भी लोगों में जो है गुस्सा है और यहाँ पर भी लोग जो इस अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा अब जेल रोड मंडी का भी बन गया है, जहां पर जो 13 तारीख को आने वाले 13 सितंबर को यहाँ पर भी एक बड़े प्रदर्शन की कॉल दी गई है और कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ पर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जुट सकते हैं। ऐसे में देखते हुए प्रशासन को भी तैनात रहने को कहा गया है। प्रशासन की ओर से सभी जिलों के डीसी और एसपी को अलर्ट पे रहने को कहा गया है और जो डीजीपी है वो खुद भी मौके का इन तमाम चीजों का जो है निरीक्षण कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, तो सभी चीजों पर सर्वेलेंस रखी गई है। क्योंकि अवैध मस्जिद कंस्ट्रक्शन की बात हो तो ये पूरे प्रदेश में अब इस तरह के मामले जो है सामने आने लगे हैं और अब ताजा मामला इसके बाद अब मंडी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शिमला के बाद। जी तिशा बिल्कुल। रॉबिन, देखिए जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे की वजह से कैसे वॉयलेंस फैला हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है मानो। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है कि संजौली मस्जिद यहाँ पर कई साल पहले से संचालित है, लेकिन ये सवाल अभी ही क्यों उठा है कि ये मस्जिद अवैध है? कई सरकारें पहले भी रह चुकी है लेकिन तब इस तरह का कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन अचानक से अब ये मस्जिद का मुद्दा उठता है और इतना वॉयलेंस। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा पहले से था लेकिन डेड पड़ा हुआ था एक हिसाब से कहा जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर जो केस है वो 2010 से नगर निगम की अदालत में चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो है ये पूरा प्रकरण तब शुरू हुआ जब मल्याणा में घटना हुई, यहाँ पर मारपीट हुई और मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगे कि उसने यहाँ के स्थानीय लोगों को मारा, जिसके बाद उनके सर में बहुत सारी चोटें आई और उसके बाद जब ये लोग शरण लेने इस मस्जिद पहुंचे तो लोग यहाँ पर पहुंच गए और फिर इसके बाद जो है पूरा प्रकरण जो है वो तब्दील हो गया मस्जिद के अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर। अभी हालांकि दो पहलू है, हिंदू संगठन लगातार कह रहे हैं कि पहला तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये अवैध है और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उनका ये है कि 1968 तक ये जो जमीन है ये सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास थी, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने इस पर अतिक्रमण किया है, इस तरह का आरोप यहाँ के हिंदू संगठन लगा रहे हैं।